बच्चों हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने शुरू किया था तो उसको हम करते हैं आगे। देखिए बेसिकली हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो वर्कडन होता है वो क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस। वर्कडन क्या कहा जाता है, किसको बोलते हैं वर्कडन, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ना। अब हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने, मेरा यहाँ पे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। इस दौरान मान लो जो मैंने वर्कडन किया वो क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, वो कहलाता है वर्कडन। तो मैं यहाँ अगर लिख लूँ यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू वर्कडन, ठीक है, यू बी माइनस यू ए, इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्कडन, है ना, बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर एक्सटर्नल एजेंट की अगर आप जगह पे अगर माइनस टाइम लिख लो वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो ये ज़्यादा सुटेबल है, आपको याद रखना है ना। तो ये बेसिकली वर्कडन होता है कंजर्वेटिव फोर्स में, तो आप इसको लिख सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पोटेंशियल, मान लो ये जो चार्ज है प्लस क्यू, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, फिक्स कर दिया, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, बी पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। अब छोटी छोटी जनरल बातें हम पढ़ लेते हैं। मैं इसको फोर्स लगा के इधर लेके जाता हूँ ए पॉइंट पे, ले गया भाई, तो मैंने वर्कडन किया, मैं बी पॉइंट से कहाँ ले गया, ए पॉइंट पे ले गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कार्य करना पड़ा, तो कार्य अगर करा तो कहीं ना कहीं तो वो स्टोर होगा, तो हमने मान लिया कि वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी किस टर्म में पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, तो ये वाली जो टर्म कहलाएगी इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं अगर मेरा टेस्ट चार्ज 1 कूलम है तो 1 कूलम पे जो वर्कडन किया, ठीक है, अगर 2 कूलम है तो 2 कूलम पे अलग वर्कडन करना पड़ा, तो हर बार मुझे अलग अलग वर्कडन करना पड़ रहा है। तो यहां से यहां ले जाने में जो मुझे वर्कडन किया मैंने, वो मेरी एनर्जी स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पे और यहां पे दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। फिर से सुनो, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 2 कंडीशन लिखता हूँ, एक प्लस के वो चार्ज और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो माइनस ले लिया मैंने, तो आपसे पूछा कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, ए पॉइंट पे ये बी है और ये सी है, मैं बी पॉइंट से चार्ज को इधर लेके गया सी बी ए पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको फ्री छोड़ दूँ तो ये कहाँ जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स को अपनी तरफ खींच लेगी, तो इसका पोटेंशियल कब बढ़ेगा, नज़दीक लेके जाएं या दूर लेके जाएं, तो आंसर है दूर लेके जाएं, क्योंकि तो इसमें प्लस माइनस की कन्फ्यूजन बहुत होती है, ध्यान रखना। माइनस चार्ज का पोटेंशियल जब बढ़ेगा जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है, और माइनस चार्ज का पोटेंशियल कब कम होगा, जब ये अपने आप कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें अंतर समझ में आया, ठीक है, और आगे देखिए। अब मैं जनरली बात लिखता हूँ, मैंने इस पे वर्कडन किया क्यू नोट चार्ज पे, मैंने वर्कडन किया डब्ल्यू, कहाँ से कहाँ ले गया, बी से ए, इसको ऐसे लिख लो, कहाँ से ले गया, बी से ए, तो यूनिट चार्ज पे कितना वर्कडन करूँगा, डब्ल्यू आई क्यू नोट। तो यूनिट चार्ज पे जो वर्कडन किया जाता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर डिफरेंस तो 2 पॉइंट के बीच का होता है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि ये सोचा गया कि अगर आप यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, इस रास्ते लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, तो अलग अलग पाथ में तो आपको अलग अलग चार्ज लेंगे तो अलग अलग वर्कडन करना पड़ेगा, तो हमने इसको आसान करने के लिए इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तो यूनिट में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसको लिखा जाएगा, इसको लिखा जाता है कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू वर्कडन बी ए बाय क्यू नोट। और वर्कडन अगर लिखा जाए, देखो ये क्या चीज़ है,
पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो डेल्टा वी, और अगर ये किसने वर्कडन किया, एक्सटर्नल एजेंट ने, अगर मैं हमने ये चीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसा लिखना चाहूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्यू नोट भी आ गया, इसको यहाँ रख दो आप, तो यहाँ रखोगे तो डेल्टा भी क्या आ गया, तो डेल्टा भी आया क्यू नॉट माइनस टाइम क्यू नॉट ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी, क्यू नॉट कट गया तो माइनस टाइम ई डॉट डी एल। तो ये अगर आपको याद रह जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आगे ये बहुत काम आएगा। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है, वर्कडन, और वर्कडन किसके बराबर होता है, ई डॉट डी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। किसका डिस्प्लेसमेंट, जो चार्ज का, जो आप जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिस डायरेक्शन में वो चार्ज मूव करेगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस पर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, है ना। देखिए, मैंने आपको बोला कि मुझे वर्कडन निकाल के दिखाइए बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या बोला आपको, वर्कडन निकाल के दिखाइए बाय एक्सटर्नल एजेंट, किस पे, एक माइक्रो कूलम चार्ज पे, जिसको मैंने शिफ्ट किया 1.2 से लेके 3.4 तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया मैंने आपको x3 i cap, ठीक है। आपसे क्या पूछा, वर्कडन बाय द एक्सटर्नल चार्ज, ठीक है। तो ये पूछ लिया आपसे, और शिफ्ट क्या किया, यहां से यहां पे जो वर्कडन ले गया, तो वर्कडन कैसे निकालेंगे भाई, तो वर्कडन क्या होता है, तो वर्कडन आपने निकाला माइनस टाइम वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्कडन यहाँ लिखो माइनस टाइम ई क्यू नॉट ई डॉट डी एल, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, अगर आपने पढ़ा हो डॉट प्रोडक्ट ध्यान से, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होगा। ए डॉट बी क्या होता था, ए एक्स आई कैप, या अगर आप सीधा लिखो ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, अगर भूल गए होंगे बच्चे, ये मैं मिटा दूं, इसको आगे हम यूज़ करेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, वी ए माइनस वी बी माइनस टाइम ई डॉट डी एल, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो इसका रिजल्ट क्या आया था, आई आई एंगल कितना है, जीरो। तो फाइनल में अगर लिख दूं तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। देखो, आपने कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्कडन निकाला था, फोर्सेस उसके जो कुछ फॉर्मेट्स थे अलग अलग, है ना, याद है आपको, एफ इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है, है। एक और लिखा था 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल है। 2x y i कैप प्लस 3x स्क्वायर y j कैप, क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये पाथ पे डिपेंड कर गई, है ना। परफेक्ट डिफरेंशियल हमारा जो फॉर्मेट था वो यूज़ करते थे। तो आपको कंजर्वेटिव फोर्स का आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस फंक्शन में उसको ले सकते हो। इसमें ये वेक्टर फॉर्म में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, आपको आइडिया आएगा, ठीक है। तो इसमें आपसे वर्कडन पूछा था, चलो स्टार्ट करते हैं। वर्कडन मान लो कितना चार्ज है, 1 माइक्रो कूलम, तो 10^-6। अच्छा, अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे, x3 i कैप। अब dl अगर ध्यान से देखें, dl को दो टर्म में लिखें हम, तो dl को अगर दो टर्म में लिखेंगे, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स में हैं, तो आप इसको लिखो dx i कैप प्लस dy j कैप, लिख दिया, बट i i वाली तो वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो गए, 1 हो जाएगा, तो और ये 0 हो जाएगा, तो -10^-6 अंदर क्या आएगा, तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा x3 dx, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो अगर आप माइनस टाइम वर्कडन निकाला तो कितना आया, -6
इंटू एक्स की पावर 4 बाय 4 और यहाँ कितना है 1 और ये आया 3, तो आप इसकी वैल्यू अगर आप रखोगे तो यह क्या आएगा 3 की पावर 4 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, तो जो आंसर आएगा वो वर्कडन हुआ। किसने वर्कडन किया? एक्सटर्नल एजेंट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे। देखिए वक्टन जो होता है वो, फिर बोल रहा हूँ, एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, होता है ना। देखिए आगे, तो अब ये कहा गया कि जो आप वक्टन करते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी में हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं कैसे, तो आपने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वक्टन रिक्वायर्ड इज द वर्कडन रिक्वायर्ड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग टू ए पर्टिकुलर पॉइंट टू ब्रिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे वर्कडन कर रहे हो, जो हमने रिक्वायर्ड वर्कडन है, उसको बोला जाता है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्कडन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस इज कोल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यू बी माइनस यू ए। कि आप अगर प्लस क्यू चार्ज ए पॉइंट से अगर आप बी पॉइंट पे जा रहे हो तो ये जो वर्कडन हुआ यही आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना, अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंस दिखाएगा। ठीक है, और इसी को ही हमने क्या लिखा था, इसी को लिखा था डेल्टा वी बी माइनस वी ए, या फिर डेल्टा वी कितना आया था, ये आया वर्कडन क्यू नॉट और वर्कडन बाय क्यू नॉट। या अगर आप इसको लिख लो कि अगर ए पॉइंट जो है वो तो इन्फिनिटी हो गया और बी पॉइंट वो क्या हो गया, आर हो गया, है ना, तो एक इन्फिनिटी, तो आपका ए पॉइंट तो इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे वी बी को आप क्या मान लोगे, वी माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क बाय क्यू नॉट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चा कंफ्यूज रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे अलग अलग है। अब यहाँ से यहाँ पे लेके जाओ टेस्ट चार्ज को, इधर जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, तो वर्क डन, ये तो पार्ट पे डिपेंड करता ही नहीं कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, तो भैया चार्ज तो अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको बोलूँ, देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा, जैसे कि आपके घर में वोल्टेज, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन रिक्वायर्ड ऑन ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब और समझते हैं इसको, देखिए मान लो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वोल्ट, क्या होगी वोल्ट, है ना, इसको वोल्टेज भी कहा जाता है। ठीक है भाई, और ये इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लेते हैं साथ साथ, तो इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू या एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू इसका ए टी, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, क्योंकि इसका चार्ज का डायमेंशन ए टी ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है ना, आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो जैसे कि मेरे फ़ोन में, आपके पास फ़ोन आप यूज़ करते हो, उसमें बैटरी वोल्टेज लिखी होती है, वोल्टेज होती है 5 वोल्ट 6 वोल्ट, है ना, होती है ना। अच्छा, आपने बहुत सारे बच्चों ने, हमने भी, हमने ऐसे चेक करके देखा हुआ है, हम ना बहुत जादूगर हैं, हमें पता होता है कि हम बैटरी की जो जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर जीप लगा के बता देते हैं कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है, है ना, किया आपने कभी ऐसा, तो उस पर देख के बता देते हो आप कि भैया चार्ज है कि डिस्चार्ज है, वो तो 5 वोल्ट 6 वोल्ट लिखा होता है उस पर। ठीक है, अब आपके घर में कितनी वोल्टेज आती है, 220 वोल्ट। आपके घर में जो प्लग्स होते हैं जिसमें हम शू में प्लग्स डालते हैं, उसमें कितनी एनर्जी आती है, 220 वोल्ट। क्या आपने उस पर जीप लगा के देखा भाई कि उस पर वो आ रही है कि नहीं आ रही, तो यहाँ तो आप रिस्क नहीं लोगे, यहाँ तो रिस्क ले लिया आपने,
क्योंकि इस एनर्जी को आपका जो हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव हो जाती है उस एनर्जी में, है ना, उसको सहन कर लेती है। बट इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है, इनका मतलब समझो, आगे बहुत काम आएंगे। देखिए, मान लो जो टेस्ट चार्ज है वो तो यूनिट वन कूलम है ना, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि मेरे घर में वोल्ट है 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट का मतलब ये है कि 5 जूल का वर्क करती है कौन, 1 कूलम चार्ज, इसका मतलब है 5 वोल्ट, ठीक है। तो किसी आपने एक्सटर्नल फील्ड में आपने जो वर्क किया 1 कूलम पे, उसको कितना किया, 5 जूल। अगर 2 कूलम लेके आओगे तो कितना हो जाएगा ये, 10 जूल। 3 कूलम लोगे तो कितना हो जाएगा, 15 जूल। तो ऐसे कांस्टेंट क्वांटिटी लिया गया है ना, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और देखो, तो ये तो हम सहन कर लेते हैं, बट अगर मैंने बोला कि 220 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या है, 220 वोल्ट का मतलब होगा 220 जूल का वर्क करके देगी, करके देगा कौन, देगा 1 कूलम चार्ज। ये कैसे देगा भाई, अपने आप थोड़े ना दे देगा। तो हमने इस पे पहले कार्य किया, पहले इसको पूरा दबा के 220 जूल तक ले आए और उसको छोड़ेंगे तो ये कितना वर्क करके देगा आपको, 220 जूल। और देखो, 1100 वोल्ट ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हमारे घर के बाहर, है ना, सड़कों पे, तो वहाँ क्या होगा, इसका मतलब क्या है, 1100 जूल का वर्क करके देगा 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो ये एनर्जी तो फिर भी हम सहन कर लेंगे, चलो करंट हमें लग जाता है कई बार। ये एनर्जी बहुत खतरनाक है, आपने खेतों में देखे ना हाई टेंशन टावर्स, उस पर लिखा होता है कितना, 1,32,000 वोल्ट, 132 kV। इसका मतलब ये होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये 1,32,000 जूल की एनर्जी कैरी करता है अपने साथ, से गोली के आएगा और हमारे शरीर को क्रॉस करके चला जाएगा। तो एक तो ऐसे आराम से टकराए, और एक ऐसे टकराए, और एक ऐसे टकराए, तो अंतर आया ना। तो ये जो एनर्जी है वो वोल्टेज से हम ऑपरेट करते हैं, वोल्टेज से डिस्क्राइब करते हैं। तो वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज पे एनर्जी कितनी है, ज़्यादा है, है ना। तो ये हमने हमारे हिसाब से सेट कर लिया सेटअप, ठीक है। आपको अगर डिफाइन करना हो, मान लो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट वो एनर्जी होती है 1 जूल, जो या ऐसे बोल दें 1 वोल्ट इज दैट पोटेंशियल व्हेन 1 कूलम चार्ज डू ए वर्क ऑफ 1 जूल। मतलब जो वो वर्क डन काम करेगा एक कूलम चार्ज 1 जूल का अगर करेगा तो हम ये कहलाएंगे 1 वोल्ट का पोटेंशियल है। अच्छा, ये आपने लिखा, ये है क्या चीज़, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक आपके जो घर में प्लग होते हैं, हमने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि एक में एनर्जी होती है और एक में नहीं होती। इसमें एनर्जी कितनी है, 0, इसमें कितनी है, 220। तो V माइनस 0 करोगे तो 220 माइनस 0, 220 ही तो आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि एक जगह पे हमने एनर्जी क्या मान ली है, 0। तो हम जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो एनर्जी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो जितना आप उसको दबाया चार्ज को पावर प्लांट में, जनरेटर में जब एनर्जी स्टोर होती है, जो बनती है वो, तो वही एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं। पहले हमने एनर्जी स्टोर करी, फिर हमने उस एनर्जी का यूज़ कर लिया। तो ऐसे वोल्टेज के फॉर्म में मापा जाता है उसको। तो वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए तो डेंजरस लिखा होता है, वहाँ पे लिखा होता है ना हाई टेंशन वायर्स। तो हाई टेंशन मतलब है उसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो हायर चार्ज पार्टिकल है, हायर एनर्जी कैरियर लेवल पे जाते हैं वो, तो हायर एनर्जी होती है उनके पास। तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि ये वाली एनर्जी बहुत खतरनाक होती हैं, है ना, हमारे लायक नहीं है वो। तो 220 वोल्ट 5 वोल्ट हम सहन कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो वोल्टेज के बारे में आपको कुछ आइडिया आया होगा। अब तो याद रखना, अगर आपके घर में 220 वोल्ट है तो याद रखना 1 जूल जो 1 कूलम चार्ज कितना काम करके दे रहा है, 220 जूल का, ठीक है। देखिए आगे, अच्छा भाई मैं आपको ये फॉर्मूले लिख के दिखाता हूँ अलग अलग। ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, माइनस टाइम ई डॉट डी एल, है ना, ये कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। और कैसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी ठीक है ना। और देखिए ये क्या है, चेंज, ये क्या है, ये भी चेंज है ना। आगे देखिए, अब हमने ये पूछा कि जो ये सोर्स चार्ज है अपने जो लिया क्यों,
ये पोटेंशियल जनरेट करता है, इसकी ही तो फील्ड में कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल एनर्जी स्टोर करता है ना। तो आपसे पूछा गया कि भैया किसी पॉइंट पे आप इसका पोटेंशियल तो बताओ जहाँ पे वो एनर्जी उसने स्टोर कर ली अपने अंदर। तो जो टॉपिक है वो क्या है, देखिए आपसे पूछा जाता है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, है ना, ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज? सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज ने पोटेंशियल बनाया ना, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा वो निकालना है। चलिए करते हैं स्टार्ट, बहुत सिंपल है, आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ चुके हैं ये वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई यहाँ पे एक चार्ज है क्यू, और ये इन्फिनिटी से मान लो कोई मैं टेस्ट चार्ज पकड़ के ले आया, ठीक है, इसको बिठा दिया मैंने इस पी पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने एक चार्ज लिया इन्फिनिटी से यहाँ ले आए, चलिए भाई अब मैं इस पर वर्कडन कर रहा हूँ, तो बताओ ये जो सोर्स चार्ज है इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। आइडिया आया? अब मैं इस पर जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं कहाँ लगा रहा हूँ, इधर। जो मेरी फोर्स है वो मैं इतनी थोड़ी लगा रहा हूँ कि जो फोर्स सोर्स चार्ज लगा रहा है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया, है ना। तो मैंने आपसे लिखा कि मैं यहाँ पे हूँ और ये जो दूरी है वो है x, कितनी है x, ठीक है। और हम जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अच्छा भाई, मैंने निकालना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं इस पर थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, मैं यहाँ से इसको यहाँ ले आया dx, ठीक है, यहाँ से यहाँ ले आया dx, ऐसे करते करते मैं इसको लेके आऊँगा b पॉइंट पे, फिर मैं किसी और पॉइंट पे भी ले आऊँगा a पॉइंट पे। तो मुझे बताओ ये वाली दूरी मैं मान लेता हूँ r1, r a, और ये वाली दूरी मैंने मान ली कौन सी rb, ठीक है। डेरिवेशन है, 3 मार्क्स में आता है, हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी इसको। आपसे सबसे पहले आपने लिखना है फोर्स एट पॉइंट पी ड्यू टू सोर्स चार्ज कितना है, हमने लिखा एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये रहा दूरी एक्स। चलिए अब मैं यहाँ लिखता हूँ नाउ स्मॉल वर्क बाय वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो भैया छोटा सा टेस्ट चार्ज कितना होगा, dW पे जो वर्क डन होगा वो होगा, लिख लेते हैं इस पे एफ इंटू डी एक्स कोस थीटा, ठीक है। अच्छा थीटा कितना है, कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ लग रही है बताइए, वो तो लग रही है इधर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इधर, तो एंगल कितना हो गया 180, कितना हो गया 180, तो यहाँ रखेंगे तो dW में कितना आएगा माइनस टाइम एफ डी एक्स। मैं आपको पहले बता दूँ क्योंकि ये माइनस प्लस में बच्चा कन्फ्यूज आता है, सॉरी माइनस वन, 180 की वैल्यू कितनी है माइनस वन लिख दिया यहाँ पे। अब फोर्स कितनी है भाई, तो फोर्स लिख दिया हमने के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस, ठीक है। अब मैं इसको धीरे धीरे लेके आता हूँ ताकि मेरा कंजर्वेटिव फोर्स में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। मैं इसको पहले यहाँ से ए बी पे लेके आया, फिर मैं धीरे धीरे कहाँ ले गया इसको ए पे, मैंने लिमिट लगा ली, मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ लेके गया तो यहाँ की एनर्जी अलग है, पोटेंशियल अलग है, और यहाँ का पोटेंशियल अलग है। तो एनर्जी की बात करें तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम बी टू ए, है ना। तो आप टोटल वर्क डन करोगे तो इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू रख देंगे हम के क्यू नॉट माइनस वन बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और दूरी कहाँ से कहाँ तक लिमिट रख दो आर बी से लेके आर ए तक। तो वर्क डन अगर आप निकाला माइनस टाइम के क्यू नॉट, और यहाँ कितना आएगा माइनस वन बाय एक्स आर बी आर ए, तो वर्क डन कितना आया भाई, कहाँ से कहाँ लेके गए बी से ए पे, बी से ए पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा वर्क डन किया तो के
क्यू क्यू नॉट, ये अंदर ले जाओ तो ये अंदर लेके जाओ, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा, वन बाय आर ए माइनस वन बाय आर बी, है ना, और क्यू नॉट भी आएगा भाई, और क्यू नॉट को इधर ले जाओ तो डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, W कहाँ से कहाँ लेके गए, B से A, है ना, तो यही जो वर्कडन है ये दो पॉइंट के बीच में वर्कडन किया आपने, इसी को बोला जाएगा कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दो पॉइंट के बीच का जो वर्कडन है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ बी ए बाय क्यू नॉट, है ना, या फिर अभी फिलहाल ना लिखो इसको, इसको लिख लेते हैं दिस वर्क इज कंसीडर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, है ना, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यू बी, सॉरी ये बी से है ना, तो यू बी यू ए माइनस यू बी, है ना, कहाँ से कहाँ गया हमें, बी से ए पे, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा के क्यू क्यू नॉट वन बाय आर ए माइनस वन बाय आर बी, ठीक है, ये एनर्जी पूरी एनर्जी कहाँ पे है, अरे इसको यहाँ लिखा, ये एनर्जी कहाँ है, ए पे है ना, मैंने आपको शुरू में बोला था कि एनर्जी का डिफरेंस तो वर्कडन होता है, देखो ये अगर आप इसको अंदर ले जाओ, इसको इसको मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आर ए, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाय आर बी, है ना, आया आइडिया आपको, तो ये देखो ये एनर्जी है, तो यही एनर्जी अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे, अगर मैं आपको बोलूँ इफ आर बी जो लिया अगर वो इन्फिनिटी होता और आर ए को मैं कोई फाइनाइट वैल्यू नाम दे दूँ आर, तो क्या होगा आपका, तो आप ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वर्कडन जो ये है यू ए माइनस जीरो इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर, और ए हट गया तो ये आ गया, तो यू ए इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर, तो ये आपको क्या बताता है, जब भी ऐसा फॉर्मूला मिले आपको तो आपको सोचना है कि भाई आपने जो बी पॉइंट माना है वो कहाँ माना, इन्फिनिटी पे, है ना, तो वहाँ पे एनर्जी तो जीरो होती है, वहाँ तो कुछ हम मानते ही नहीं, तो यू ए तो डिफरेंस तो है ना इन्फिनिटी का और एक पर्टिकुलर वैल्यू का, और वो क्या मानी आपने, आर, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ लिख दूँ, अगर आप इसको ऐसे लिख लो यू ए बाय क्यू नॉट, और ये लिखा जाएगा, या इसको ऐसे लिख लो यू बाय ए माइनस यू बी क्यू नॉट के क्यू वन बाय आर ए माइनस वन बाय आर बी, है ना, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या लगेगी, वी ए माइनस वी बी के क्यू वन बाय आर ए माइनस वन बाय आर बी, और अगर फिर से वही वैल्यू अगर हम यूज़ करें इन्फिनिटी वाली, तो ये कहलाएगा वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, तो ये सोर्स चार्ज, ये जो इसने पोटेंशियल बनाया अलग अलग दूरी पे आर लोकेशन पे, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो ये है, 3 मार्क्स में आता है, अच्छे से करें, ध्यान से करें, है ना, फिर इसमें हम आगे सवाल करेंगे, उतारिए इसको, आगे देखें, चलिए हटा दें इसको, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पे समझा, इसका मतलब क्या है, है ना, चलिए छोटे मोटे मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, इस पर अच्छा लगेगा आपको, है ना, देखिए अब कई बार होता है ये जो हमने जो अपने लिखा एक रिलेशन आती है, मैं आपको पहले ये लिखा देता हूँ, रिलेशन बिटवीन
चलिए इससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, टाइम हो जाएगा। मान लो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इसको ले लिया, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है ना। ये एंगल मान लिया मैंने 37 डिग्री, ठीक है, और मैंने बोला कि इसमें दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है R, ठीक है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है R, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, और आपसे बोला ये जो दूरी है, ये दूरी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, और पोटेंशियल एट R दे दिया आपको 500 वोल्ट, कितना दे दिया 500 वोल्ट। आपसे ये बोला कि बताइए फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R और फाइंड द पोटेंशियल एट P, दो क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट बिटवीन P एंड R एंड फाइंड पोटेंशियल एट P, ठीक है, चलिए करते हैं इसको। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि पाथ पे डिपेंडेंट तो होता नहीं है। फॉर्मूला क्या था, आपने लिखा वी आर माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस टाइम ई डॉट डी एल, ठीक है, ये जो एंगल होता है ये डिस्प्लेसमेंट चार्ज की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के बीच में होता है। मैं आपको बोलूँगा, देखो मैं अगर एक चार्ज को लेके जाऊँ, इधर लेके जाऊँ, क्यों नोट चार्ज है, मान लो 1 कूलम है, तो मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली में। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया, बिल्कुल दे दिया है ना, अब बात आती है इस डायरेक्शन में। अब अगर आप सोच के देखो तो ये वाला एंगल, ये अगर 5 है तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये वाली दूरी कितनी है, या इसको ऐसे लिख लो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएल कोस थीटा, है ना, डीएल कितना है पी और आर के बीच का, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपन, पी से आर, ठीक है, तो ये डीएल कोस थीटा कितना होगा, डीएल की वैल्यू कितनी है 5 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री, तो वी आर माइनस वी पी कितना आएगा, माइनस टाइम 2000 इंटू डीएल, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ही डायरेक्शन में है, तो आप लिमिट अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एल कॉस थीटा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेंगे हम ये वाला, ये क्या है डी एल कॉस थीटा, है ना, तो ये एंगल अगर ये 37 है तो ये भी कितना है 37, तो अगर आप इसे लिखोगे तो वी आर माइनस वी पी इज इक्वल टू ई कितना है 2000 और एल कितना है 5 बाय 100, ठीक है, इंटू 100 क्यों आया, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, और थीटा कितना है 37, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 4 बाय 5, ये कट गया, सॉरी ये कट गए और ये भी कट गया, तो वी आर माइनस वी पी कितना आया, आया माइनस 80 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है, ये मतलब है कि पी और आर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 80।